दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात टाइटन के खिलाफ मिली चेन्नई को करारी हार के बाद फैंस ने दिखाया अपना असली रंग। रचिन, रविंद्र और जडेजा को गाली देते हुए बनाया निशाना और उनके साथ करी बदतमीजी, बल्कि स्टेडियम से बाहर उनके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। तो आखिरकार क्यों चेन्नई के फैंस अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए? आखिर ऐसी कौन सी घटिया घटिया हरकतें करी उन्होंने जडेजा और रचिन रविंद्र के साथ जिसने पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया? उस घटना का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के सामने 20 ओवर में 231 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। टीम की तरफ से सबसे अधिक रन शुभमन गिल ने 55 गेंद पर 104 रनों की पारी खेली, तो वहीं साई सुदर्शन ने भी शतक जड़ते हुए 51 गेंद पर 103 रन बनाए और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत तो बेहद खराब हुई। केवल 10 रन का स्कोर पर तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मोइन अली और डेरिल मिचेल ने अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी भी पवेलियन लौट गए। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद चेन्नई का एक भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सका। 20 ओवर में चेन्नई की टीम ने 8 विकेट खोकर केवल 196 रन बनाए। अंत में धोनी ने 11 गेंद पर 26 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, जिसके कारण गुजरात की टीम ये मुकाबला 35 रनों से अपने नाम कर गई। गुजरात की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, हर तरफ खिलाड़ियों की चर्चा होने लगी, लेकिन वहीं चेन्नई के खिलाफ बेहद ही दुखी थे। यहाँ तक कि स्टेडियम में मौजूद फैंस भी काफी निराश थे। वहीं चेन्नई सुपर किंग के खेमे में भी मातम छा गया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का गुस्सा रचिन रविंद्र जडेजा पर जमकर फूट रहा था। यहां तक कि जब मैच खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा और रचिन रविंद्र ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान चेन्नई सुपर किंग के फैंस ने इन दोनों खिलाड़ियों को अभद्र शब्द बोलना शुरू कर दिए। इनका गुस्सा इन दोनों खिलाड़ियों को सोशल मीडिया में भी जमकर लताड़ा जाने लगा। मीम की बाढ़ आ गई और लोग खूब ट्रोल कर रहे थे। लोग यहां तक कि गालियां भी बकना शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, जब स्टेडियम से बाहर रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा होटल जाने के लिए जमावड़ा अहमदाबाद स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हो चुका था, जिन्होंने रविंद्र जडेजा और रचिन रविंद्र को देखते ही उनके खिलाफ नारेबाजी और गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरीके से रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा पर नफरत फैलाई जिसे सुन पाना भी किसी के लिए नामुमकिन था। उन्होंने तो रविंद्र जडेजा को घेर लिया, ऐसा लगा कि आज इस खिलाड़ी की शामत आ जाएगी। चेन्नई के कई खिलाड़ियों पर उन्होंने अपना गुस्सा निकालना अचानक से शुरू कर दिया। वहां आंदोलन जैसा माहौल बन गया। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी, लेकिन चेन्नई के जिगरी फैंस और जडेजा के जिगरी फैन खिलाड़ियों को बचाने के लिए आ गए। हालांकि सलाम है पुलिस बल और सिक्योरिटी को, जिन्होंने हालात पर काबू किया, भीड़ को वहां से अलग किया और चेन्नई के खिलाड़ियों के साथ साथ रचिन रविंद्र को सुरक्षित वहां से निकाला, नहीं तो आज बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन जिस तरह से चेन्नई के फैंस ने बदतमीजी की, नफरत फैलाई, उन्होंने तो भारत की छवि को बदनाम किया और बता दिया कि चेन्नई के फैंस अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।